हम विरहा गायक कलाकार कुलदीप लाल यादव एंड साथियों के आवाज में आपके बीच में दिल को दहला देने वाली एक कहानी आप लोगों के बीच में पेश है। इंडियन म्यूजिक संसार बिरभानपुर सिकंदरा प्रयागराज बड़े भाई आप अजय कुमार विश्वकर्मा के देखरेख में और हमारे बीच में साथी कलाकार हैं हारमोनियम पे संगत कर रहे सम्मानित बड़े भाई सुनेश कुमार पप्पू भैया और ढोलक पे संगत कर रहे उस्ताद आप रामदेव भैया और हमारे दाहिने साइड ओम प्रकाश कोरस पे और बाएं तरफ हैं आप राम जी और तीसरी तक पहुंचे हुए कलाकार आप हीरामन कलना मोइया हरिया प्रयागराज से आप लोगों के बीच में एक प्रस्तुति पेश बा जौने बिरहा के शीर्षक बा ओडिशा ट्रेन दुर्घटना। बिरहा जगत में चार लाइन घूम क्या के अंदाज हो लाल खुदा किस समुंदर डुबाई है दुनिया आँख में तुमको पानी नहीं क्यों है आया कहूं किसी का दोष है इस घटना में भैया ज्ञान विज्ञान भी आज बनते हैं ज्ञाता घर का दीपक बुझाया कवन ऐसा पापी खिलती बगिया उजाला है पल भरी में भैया राजेश कवि की कलम है बिलखती किसने डुबाई है भारत की नैया। इतना बड़ा हादसा हुआ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ क्या कहा जाए किसको दोष दिया जाए। बिरहा जगत में एक लाइन कव्वाली के अंदाज हो लाल वह गजल के अंदाज बा अरे मुझे तेरी अरे मुझे तेरी कि मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता सहारा मिल गया होता तरज से बढ़िया बिरहा जगत में फरज हो भाव में कभी लिखल हुआ एक एक बात एक एक लाख के बात हो कहूं मैं कौन दोषी है कलेजा भारी डाला है आदमी का दोष दिया जाए किस आदमी को गलत ठहराया जाए कहूं क्या दोष
है किसका कलेजा फाड़ डाला है और ट्रेन से दुश्मनी किसकी जो मानव मार डाला है। एहिजा से हमारे कहानी के शुरुआत बस सिंगल नजम का लाइन हो। कौन है पापी पूरे भारत को झकझोर दिया, ट्रेन को दूसरी पटरी पे उसने मोड़ दिया। सन है 2023 या 2 जून सुनो, बालासुर घटना घटी हुआ भारी खून सुनो। गाँव है मधुबनी जिला कटक बूढ़ी साथी, शिवचरण शीला देवी बेटा शिवमनी साथी। गरीबी झेलते ही रात दिन को पार किए, गरीबी झेलते ही रात दिन को पार किया, गरीबी झेलते ही रात दिन को पार किया। शिवम कमाने बदे मन में लपिचार किया, कहानी के समझ ले कहां के कहानी बा, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। उस ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या कभी ने बताया 300 से ज्यादा और घायलों की संख्या 1100। लेकिन उसी मृतक परिवार एक परिवार की व्यथा आपके बीच में व्यतीत कर रहा हूं। ओडिशा प्रांत के अंतर्गत एक जिला बतावल गई जो जिला के नाम कटक हो। कटक जिला में एक गांव है जो गांव के नाम मधुबनी। वही मधुबनी मोहल्ला के रहे वाले गरीब परिवार, पिता के नाम शिवचरण, माता के नाम शीला देवी, एक ही लड़का है, लड़के का नाम शिवम और एक बिटिया बा, बिटिया छोट बाए बाबू, बिटिया का नाम निशा बतौल गई। बड़े गरीबी में परिवार के परवरिश होत बा, पिताजी के सर पे इतना लंबा कर्ज हो गया है बाबू कि रोज सुबह कर्जीदार आते आते दरवाजा खिबा जाता, दुआरे के 4 अंगुल माटी उपार के ले गए कर्जीदार। लड़का पढ़त बा, दिमाग में आयल के आए हाय हाय काहे ना हम कमावल जाई, अपने पिताजी के भार कुछ हल्का हो जाई कम हो जाई, पढ़ाई को छोड़ दिया। और एक दिन अपने बाबू से कहला कि बाबू अगर आपके आदेश हो तो जाए के हम देश परदेश कमाई पैसा भेजी, आपके भी कुछ कर्ज कम हो जाई, परिवार के स्थिति में कुछ सुधार आ जाई। यह बात मन में कह के एक दिन घर से लड़का निकलल बा, और जब घर से लड़का निकलल बा तभी रहा जगत में एक लाइन तर्ज लग गई। कौनो ई आशिक मासूका के बीच के बात बा, आशिक कहले बा कह तू तारो डरो कह तू तारो डरो जब तुहरी गली आईती जईती, तुहरी गली आईती जईती। हरी गली आईती जईती, छत पर से कर तू हेलो हेलो मत खलो, लेकिन ए बाबू भाव के अंदर कितनी सुंदर बात कवि जी लिखलन। उलैका चलल बा घर से निकाला दिहले हवा में आई गईले, हवा में आई गईले,
घर से निकल दिहले हवाला में आई गईले युवती के कह दिना रतिया वो करिया पहले युवती के कह दिना रतिया बाबू। सुबह निकला लड़का, शाम होते होते हावड़ा स्टेशन पर उतर गया, हावड़ा शहर में आ गया और रात भर आराम किया। सुबह निकल के काम को खोज रहा है, धीरे धीरे जूत के कंपनी में पहुंचा, जूत वाली कंपनी में काम मिला। जब काम मिला तब महीना दो महीना चार महीना काम कैलस, तो वही कंपनी में एक सलमा नाम की मुसलमान की लड़की रहती थी। सलमा एक लड़की रहली नौकरी बजावत रहली, सलमा एक लड़की रहली नौकरी बजावत रहली, शिवम से प्यार बदे मनवा बनावत रहली। शिवम जी तू मान जाता बतिया वो करिया पवले, शिवम जी तू मान जाता बतिया ए भैया। ये घर से आयल हवड़ा शहर में जूत वाले कंपनी में काम मिला, उसी कंपनी में सलमा नाम की एक लड़की काम करती थी। दोनों में जब नैन चार भइल बा, अंजाम ई निकलल कि दोनों प्यार कर बैठलन। महीना दो महीना चार महीना बीतल, एक दिन सलमा लड़की कहती है कि ऐसा है कहीं तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरे के साथ तो शादी नहीं कर लोगे? तो कहा ठीक है, शादी की बात है तो अपने घर वालों से पूछ लूं। वो लड़का अपने घर फोन लगाया, अपने पिताजी से बात किया, माताजी से बात किया, परिवार के लोग तैयार नहीं हुए। जब परिवार के लोग तैयार नहीं हुए, ए भैया हम कही ला कि दिल लगी के दही से तो परी का चीज बा, तो कर प्रेम लग गई बा, तो दोनों धीरे धीरे शादी करे के विचार बता ले, शादी को कर लिए। जब शादी को कर लिए बाबू, तब बिरहा जगत में एक लाइन गीत लग गई। बलिया बियावे दोनों मेहरारू कहले रहल, पति ओकर विदेश हो। बलिया बियावे पिया के प्यारी कहिल, बलिया बियावे पिया के प्यारी रतिया पहाड़ की नी भाई, का कहिया जान करे जगैला ताई के, का कहिया जान करे जगैला ताई के, पीला वाले गईले, पीला वाले गईले राजा भोतल में भरी के। ए भैया लेकिन इतना तरज हो आप लोगन के इंजॉय बदे, लेकिन भाव पक्ष में कवि जी लिखलन, सलमा शिवम दोनों शादी के कहिले, नारी बनी सलमाजी गर्भवती भैले, नारी बनी सलमाजी प्यार करा दुनहा नया नवा भारी भारी के,
सलमा और शिवम दोनों शादी बना लिए। जब शादी को कर लिए तो ये प्रकृति का नियम है, दोनों प्राणी मजे में जिंदगी बितावत हुए। अंजाम निकलल का कि उस सलमा नाम की लड़की जो थी धीरे धीरे गर्भ धारण कर ली। जब गर्भ धारण कर ली तो एक महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना, आठवां पार कर गई। जब आठ महीना बीतल तो गाली मच मचाए गई। तो एक दिन लड़का सोचत बा कि काहे न अगर हिया रहल जाई, देश प्रदेश के बात बा, दिलवरी कैसे होई, के देख रेख करी, कहाँ रहल जाई, सोचत बा कि बाबूजी घरे अलग नाराज हुआ, जाई तो जाई कहाँ जाई। बड़ा मन कलेजा जिगर जुटा करके, हिम्मत को जुटा करके अपने माई लगे फोन कैल। सोचत बा कि माई के मिला ले हब, घरवा में बल्कि बाबू को दो तीन ठी पतो है, भौजी हैं से हाथ विनती करब तो हमार डिलीवरी आराम से निपट जाई। यह बात दिल में लेके और शाम को हवरा से गाड़ी पकड़ लिया। जब गाड़ी को पकड़ लिया, जब घरे पहुंचल, जब घरे पहुंचल तो घरे के स्थिति का रहल, एक लाइन बिहार जगत में करुण रस के तर्ज। है तरजबा पिया परदेश कैल तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया, सितार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया, सितार लागल टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, भैया उ लड़का स्टेशन पर बैठ गया गाड़ी में, घर आवा जाए के तब कैले तैयारिया हो, जिस समय घर पहुंचा अपने उस लड़का, एक तारीख के समय रहल, एक जून के घर में पहुंचल अपने भवन, एक जून के घर में पहुंचल, माई बाबू क्रोधित भैले छुआ जिन चलना, बाबू कह भाग जा तू अपने नौकरिया हो, बाबू कह भाग जा तू अपने नौकरिया हो, घरवा जाए का तब कैले तैयारिया हो, बाबू अपने घर वो लड़का पहुंचता है अपने औरत के साथ। लेकिन जब एक दुल्हन के देखल हम पूरे परिवार के लोग देखलन तक क्रोध चरण सीमा के ऊपर हो गई, बाबू बिगड़ गए, माई नाराज बा, छोट के बहिन बा उहो नाराज हो, परिवार के स्थिति देखा तो उसको समझ में आया क्या है, यहाँ जीवन यापन न हुई, मामला गड़बड़ है। किसी ढंग से बाबू पड़ोसे बले पिताजी के घर में रात को गुजारता है, रात को गुजारा, सुबह हुई, जब सुबह हुई तो अपने धर्म पत्नी को लेकर के, सर सामान को लेकर के और नजदीकी स्टेशन के तरफ जब लड़का चला तब बिरहा जगह में विदेशिया के लाइन है।
अरे दो जूना घरा से पहुंच गईले हबोला टेसानिया तोस्तरा के सजी के होनावा लगावा ले हो और आके सबोला चलियावा चेन्नई सहारी साढ़े तीन बजे कोरो मंडल ट्रेन पवले हो और 6:55 पे पहुंच गईले बालासोर टेसानिया पटरी से बे पटरी भाई टक्कर भइल मचल हाहाकारिया ए भैया 2 जून को घर से निकल गया, हावड़ा स्टेशन पर आया और उसका बचपन का दोस्त था, बचपन का यार था राकेश, जो चेन्नई में रहता था, अपने पूरे परिवार के साथ दोस्त राकेश को फोन लगाता है कि दोस्त हमारी औरत की डिलीवरी है। घर पे गए, परिवार के लोग एग्री नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे डिलीवरी कराऊं। नेक इंसान था बेचारा राकेश, बोलता है कि दोस्त कोई बात नहीं है, तुम अपने औरत को लेकर के चेन्नई चले आओ, यहाँ मेरी पत्नी है, मेरा पूरा परिवार है, आराम से तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी और तुम फिर 1-2 महीने रहना, चले जाना, नहीं तो यही काम लगवा दूंगा, यहीं पे काम करना और दोनों प्राणी जीवन यापन करना। ए भैया दोस्त के बात मान के 3:30 बजे हावड़ा से कोरोमंडल एक्सप्रेस पकड़ा और 6:55 पे बाबू बालासोर स्टेशन पे पहुंच गई गाड़ी। बालासोर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंचल बा, पायलट ड्राइविंग कर रहा है। आप लोग जानते हैं मित्रों, गाने वाले से सुनने वाले बुद्धिमान होते हैं। ट्रेन को एक पटरी से दूसरे पटरी पे करने के लिए स्टेशन मास्टर को सिग्नल चेंज किया जाता है बाबू, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को मिलाने के लिए चेंजिंग किया जाता है। पायलट ड्राइविंग कर रहा है, लोको पायलट, हरी बत्ती जल रही है, अचानक 1 किलोमीटर जब रह गया तो लाल बत्ती हो गई, सिग्नल नहीं मिला। सिग्नल ना मिलने के कारण ड्राइवर ड्राइविंग करता चला गया और सामने से आ रही मालगाड़ी से टक्कर हुआ। जब मालगाड़ी से टक्कर हुआ बाबू, तो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, बहुत लोग मारे गए। जब दुर्घटना भयल, ट्रेन आपस में लड़ल, कवि जी के कलम कप गई, आंखें नम हो गई, मायूस जिगर से विरहा जगत में शैली के भाव देना पड़ा। अरे मोरे राम जिनगिया के करे हाथे मिट गई, अरे मोरे राम हो राम, अरे जिनगिया करे हाथ मिट गई, तरोवा चांद सूरज गंगा जी कर बिंदिया, यार बिंदिया, यार बिंदिया, रोवे चांद सूरज गंगा जी कर बिंदिया, जिंदगी के करे हाथे मिट गई।
ए भैया जिस समय दुर्घटना हुआ, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ बाबू, और कवि जी को भाव में बताना पड़ा, आए हाय हाय। है तरजबा जब से गईले बाहर आया तू, आवे बारी बारी हो चिड़ैया बन के उड़ी गईले। पराए घड़ी तहलका मचौले बा बाबू, राजा जी हमार चिड़ैया बन के उड़ गईले। लेकिन हमरे ब्याह में भाव बा, 300 से ज्यादा मरले, 300 से ज्यादा मरले, मैं कल हाहाकार होके सनिया लाल लाल भई। कवि जी ने एक आंकड़ा बताया कि 300 से ज्यादा लोग मृतक घोषित हो चुके हैं। केहू के तपे रकाटल केहू के तमुरिया भई, केहू के तहाथ बाबू स्टेशन बाबू खून से लाल हो गया। तमाम विभाग के सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग, आरपीएफ विभाग, यूपीपी, कई विभाग के लोग, कई विभाग के सुरक्षा कर्मी मिलके बोगी को इधर उधर कर रहे हैं, पटरी को इधर उधर कर रहे हैं बाबू। जो जीवित लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जो लोग मृतक हो चुके हैं उनको पीएम घर, पोस्टमार्टम घर भेजा जा रहा है। इसी बीच में बाबू जो सलमा और शिवम थे, जब गाली लड़ी तो ट्रेन के आगे हिस्से में बैठे थे इंजन के तरफ, शिवम गिरा, यहां से कट गया है बाबू, बीचों बीच पेट से कट गया, और थोड़ी ही दूर पे जाकर के उसकी प्रेमिका, उसकी धर्मपत्नी सलमा गिरती है बाबू। दोनों का हाथ पैर कट गया है, छटपटा रहे हैं, आय हाय हाय। स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा कर्मी जब पहुंचते हैं तो दोनों को एक जगह ला करके रखते हैं, लेटा दिया जाता है बाबू स्टेशन के ऊपर, और पानी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, बार बार पानी की आवाज आ रही है बाबू। आंखें नम है, कलेजा कप रहा है बाबू,
इसी बीच में पानी जब ला करके पिलाया जाता है बाबू, तो दोनों एक साथ दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो गए। और जब दुनिया को छोड़ दिए, लास्ट पोस्टमार्टम घर भेजी गई बाबू। उसी पोस्टमार्टम घर में जो लाशें जा रही थी, पोस्टमार्टम घर से एक प्रमाण, एक नई कहानी। ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई बाबू, लेकिन एक व्यक्ति की कहानी यहीं से शुरुआत हो रही है। मुर्दा डॉक्टर के द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया, उसके बाद भी उसका पिता पोस्टमार्टम घर से अपने बच्चे को जीवित उठा करके लाया। आज भी इलाज चल रहा है। कहानी आगे मिले, एक लाइन करूं रस के गीत हो। कि माली गाड़ी से टक्कर भाईली लाल बात करनिया, हादसा भइल बारी यार हो, आ वही बगली से गुजरत रहल हमारा करनिया, ओहू से लाल धुआं धार हो। बगल से हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी बाबू, चार बोगी बताया जाता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का चार बोगी जाकर के उससे लड़ गई, भिड़ गई। हावड़ा एक्सप्रेस की भी चार बोगी छटक गई। इतना स्पीड गाड़ी थी कि जिस समय टक्कर हुआ, हावड़ा एक्सप्रेस की चार बोगी छटक गई बाबू। तक कोई अस्पताल, अरे कोई अस्पताल, अ कोई मसाना वहां पे गई ले, अ कोई का मिल लाश, कोई गायब हो गई ले, अरे बची गई ले विश्व मालिक 24 साल उमरिया, अरे बची गई ले विश्व मालिक 24 साल उमरिया, पिता हीला राम के लाई हो। जिन परिवार, जिन गांव, जिन घर के लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे बाबू, जब इस दुर्घटना का सूचना पूरे भारत में पहुंचा है, तो जिन जिन परिवार के लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके परिवार के लोग फोन लगा रहे हैं, उनके दोस्त के पास फोन लगा रहे हैं, उनके कंपनी, उनके ठेकेदार के पास फोन लगा रहे हैं। तो कोई जो मृतक घोषित कर दिए गए डॉक्टर के द्वारा, उन्हें शमशान घाट पे भेजा जा रहा है, पोस्टमार्टम घर में भेजा जा रहा है, और जो जीवित हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। तमाम हमारे भारत देश के नेता जा करके दुख व्यतीत करते हैं, और जब घटना स्थल से चले जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में बैठ करके बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं किया करते हैं बाबू। तमाम तमाम ऐलान किया गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा। इस बात को मैंने विधा जगत में नहीं रखना चाहता, लेकिन विश्व मलिक कलकत्ता से 230 किलोमीटर दूरी का रहने वाला, आधे घंटे पहले उसके पिता हीलाराम आकर के बालासोर स्टेशन पर छोड़ करके गए और घर पहुंचे। जब इस दुर्घटना की सूचना उन्हें मिली तो अपने बेटे के पास फोन लगा रहे हैं, फोन तो उठाया लड़का लेकिन बोल नहीं पा रहा है। पिता उसके जान गए, जरूर मेरे लड़के के साथ दुर्घटना हो गई। तुरंत कलकत्ता से एम्बुलेंस करके और चल दिए, पापट के भाव है।
अरे फटा करेगा सुन के चादर चकोरिया रोवे भैया हो। अरे फटा करेगा सुन के चादर चकोरिया रोवे भैया हो। चीख पुकार मचल बात चहु ओरिया रोवे भैया हो। सत्रह बोगी पटरी से उतरी, सत्रह बोगी पटरी से उतरी और उलट उलट मच जाई हो। अब बगल से गुजर हवला एक्सप्रेस, बगल से गुजरल हवला एक्सप्रेस कोरोमंडल टकराई हो। अरे जेकर जेकर सजाना गायब हो कर गोरी यारो भैया हो। अच्छी खम पुकार मटल बात है चहु यारो भैया हो। कोरोमंडल एक्सप्रेस की सत्रह बोगी पटरी से उतर गई, उलट पुलट बहुत भारी दुर्घटना हुआ। इत कभी लोगन के वह कल्पना बा जो लोग ट्रेन में टिकट लिए थे और जो बेचारे बिना टिकट वाले रहलन उनका तो गिनती ना है। मारल जाला 100 बतावल जाला 1। आगे आल्हा में प्रमाण बा। विधना से गलती कावन कैले ना नारी भैया। विश्वजीत मालिक रहले 24 साल उमरिया भैया। की नहीं लराम पाए जीवित उस बार कलकत्ता से एम्बुलेंस कई के चली दी हले बाबू। हवा में दीपक दस रहलन रिश्तेदार 230 किलोमीटर हरवा से दूरी भैया। जे मुई बहन का अस्पताल पहुंचे जाए ए भैया बेमुई बहन का पोस्टमार्टम घर जो है पीएम घर में जा करके देखते हैं पोस्टमार्टम घर में तो लाश की ढेर दिखाई पड़ रही है। लाश पे लाश रखल बा। अब एक दो चार में नहीं हो तो लोग पहचान ले। जा करके हॉस्पिटल में देखते हैं तो तमाम घायल, किसी का सर फूट गया है, किसी का हाथ कटा है, क्यों का पाँव कटल बाबू, हाथ पैर गोड़ आंख नाक शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा जो इस दुर्घटना में नहीं कटा। हॉस्पिटल में लड़का नहीं मिला तो जा करके पोस्टमार्टम घर में देखते हैं तो लाश पे लाश रखी है। पोस्टमार्टम घर के अंदर उलियाना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा कर्मी हमारे भारत देश के लगे थे, अंदर प्रवेश नहीं करने दिए बाबू।
जब प्रवेश ना मिलल तो प्रमाण मिला कि चार घंटे पोस्टमार्टम घर के बाहर ही खड़ा होना पड़ा। पिता हीलाराम और उनके बहनोई जिनका नाम बताया गया दीपक दास, दोनों लोग बाहर ही खड़े हैं। शाम की जब 12-12 घंटा के ड्यूटी होले, जब गार्डन के ड्यूटी चेंज भइल बा, तब भइल का आखिरी प्रमाण में बतावे के पड़ल। अरे ड्यूटी चेंज भइल बा, अरे ड्यूटी चेंज भइल बा, तब बोलिया आई गईले, अरे तब लाला नवा के हाथावा देखा आई गईले, ड्यूटी चेंज भइल बा तब ओलियाई गईले और तब ललनवा के हथवा दिखाई गई। बेटे की हाथ की घड़ी अंगूठी, बाप गए पहचानी, अब तुरंत आए यशस केलम अस्पताल में निशानी। इलाज चलत बा लाल तब दवाई भइले, तब लालनवा के हथवा देखाई गई। ए भैया जब ड्यूटी चेंज भइल बा तो सार बहनोई दोनों अंदर उलिया गईलन, तमाम लाशें रखी गई है, अपने बेटे को पहचान रहे हैं। तब तक एक मुर्दा का हाथ ऐसे खड़ा था और गिर गया। जब हाथ हिल गया, बाबू गिर गया, तो बेटे के हाथ के में अंगूठी और घड़ी जो पहना था, बाप को पहचानते देर नहीं लगी। बाबू दौड़ करके पहुंचे और बेटे को गोद से उठा करके एम्बुलेंस में लाद करके, और आज भी कलकत्ता के अंदर SSKM हॉस्पिटल में इलाज चलत बा लाल के तब दवाई भइले और तब ललनवा के हथवा दिखाई गईले। मुर्दा घर से जिंदा बेटे की लाश लाए पिता हीलाराम, आज भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। यही से हमारी कहानी के समापन बा, आखिरी भाव है। गुरु बिहारी गुरु गणेश, अरे जय लाल ललकार, अरे बच्चन कहते कभी कभी का, अरे दांव से सबको मारे, जिंदगी अक्के करे हाथे मिट गई, अरे तो कुलदीप राजेश पिंड के पीड़ा।